वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और यार आज का वीडियो मैं हिमाचल ट्रिप के बजट को लेकर बना रहा हूँ। और यार नए रोड ट्रिप आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन होता है उसको आप ऑन कर लो, ताकि आने वाले जो ट्रिप के वीडियोज हैं उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो यार हिमाचल ट्रिप पे स्टार्ट करते हैं बजट वाला वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे अकोमोडेशन की। डे वन में हमारा जो स्टे था वो था शिमला में। शिमला में प्रॉपर्टी जो थी वो थी 2000 रुपीज़ की। तो वहाँ पे मैंने स्टे किया, लेकिन यार अच्छा नहीं था, थोड़ा सा रूम अच्छा नहीं था, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उस प्रॉपर्टी को। बट 2000 रुपये का रूम था। उसके बाद में सेकेंड डे था हमारा नारकंडा। नारकंडा में यार मैंने स्टे किया था, 1700 रुपये का रूम था। हम 5 लोग गए थे, तो हम कोशिश यार यही करते थे कि स्टे हम मतलब एक ही रूम हमें मिल जाए। तो एक रूम क्या है, बजट के अकॉर्डिंग बैठ जाता है, तो इसीलिए हम 4-बेड रूम ले लिया करते थे। तो नारकंडा में जो प्रॉपर्टी थी, ध्रुव भाई की प्रॉपर्टी थी, कैंथले गेस्ट हाउस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी यार, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी रियली। और आप लोग भी विजिट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, ध्रुव भाई की सर्विस बहुत अच्छी लगी। तो वो प्रॉपर्टी में जो रूम था वो था 1700 रुपये का रूम हमारा। और उसके बाद में थर्ड डे हम लोग चले गए थे रिकोंगपियो। और रिकोंगपियो में जो प्रॉपर्टी थी वो 2000 रुपये का रूम था, अच्छी प्रॉपर्टी थी वो भी। और उसके बाद में डे फोर हम पहुंच चुके थे नाको। यार नाको में 500% मतलब 500 आदमियों का शहर नाको, और उसके अंदर में यार ऐसी प्रॉपर्टी मिलना, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी मिली हमें। और वो जो रूम था थोड़ा सा कॉस्टली था, क्योंकि यार वहाँ पे इतने मतलब अरेंजमेंट अच्छे नहीं है, मतलब स्टे के लिए मतलब जगह है लेकिन बिल्कुल कम है। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका था उसमें 2 ही रूम थे, अच्छी प्रॉपर्टी थी, 2700 रुपये का रूम उसने हमें दिया था। और उसके बाद में रिटर्न में जब हम शिमला आए, शिमला में हमने रूम लिया, और शिमला में 2000 रुपये में 2 रूम मिले थे होटल सैत्विक। शिमला से पहले था नाला डेरा नाम का प्लेस है, बेस्ट प्रॉपर्टी थी यार, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी थी कम रेट में। वहाँ पे हमने 2 रूम लिए क्योंकि 4-बेड का रूम वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। हमारी कोशिश यार यही रहती थी कि 4-बेड का रूम लें हम। मुझसे कई जनों ने यार क्वेश्चन भी किया था इस चीज़ के लिए कि यार आप लोगों को इतने सस्ते रूम कैसे मिल गए, लेकिन यार मैं आपको बता दूँ मिडिल क्लास वाले हम लोग हैं, तो यार उस हिसाब से सारी चीज़ देखनी पड़ती है भाई लोग, तो इसीलिए हम लोग 4-बेड रूम लेते थे तो सस्ता पड़ता था हमें, ठीक है। तो टोटल जो मेरा अकोमोडेशन का जो चार्ज लगा वो लगा 10,300 रुपये। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। तो फॉर्चुनर से मैं गया था ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें यार टोटल जो डीजल की जो कॉस्टिंग आई थी 1800 या 1850 किलोमीटर का मेरा एवरेज ट्रिप था ये टोटल। तो उसमें जो कॉस्टिंग आई थी वो 19,000 रुपये का तो डीजल लगा था मेरा टोटल गाड़ी का। और उसके अलावा 2,000 रुपये हमारे टोल टैक्स वगैरह ये जो भी है, मतलब हिमाचल का टैक्स है वो छोटा मोटा था। बाकी कोई भी एंट्री नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भी वहाँ पे एंट्री की ज़रूरत नहीं थी। तो 19,000 रुपये का टोटल फ्यूल लगा, और टोल टैक्स 2,000 के 21,000, और हमारे यार चालान हुए थे एक दो जगह, तो 2,000 रुपये हमारा चालान में लग गया था। और हिमाचल जा रहे हो तो आपका चालान ज़रूर होगा, क्योंकि यार वहाँ की पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक है, और मुझे भी ठीक नहीं लगा बिहेवियर उन लोगों का। बाहर की गाड़ी देख के वो रोकते ही रोकते हैं, आपको रोकेंगे ही रोकेंगे, और कुछ ना कुछ बहाना लेके आपका चालान होना ही होना है। तो ऐसे करके टोटल हमारा 23,000 रुपये लगा था इसमें। और अब उसके बाद में थर्ड में बात करता हूँ फूडिंग की। तो यार फूडिंग का मैं आपको एवरेज अमाउंट बताता हूँ आज। आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना बाहर, तो आप फूडिंग का एवरेज अमाउंट पर पर्सन 400 रुपीज़ ग्रुप में अगर आप जा रहे हो, 4-5 बंदों का ग्रुप है या 2 बंदों का ग्रुप है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कम पड़ता है। तो 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 2,000 रुपये वन डे, और 5 दिन का हमारा टोटल जो चार्ज लगा फूडिंग का वो 10,000 रुपये टोटल फूडिंग का चार्ज लगा था। तो इसके हिसाब से 6 डेज़ का ट्रिप था, तो 12,000 रुपये हमारा टोटल चार्ज हुआ था, तो फूडिंग का ये चार्ज लगा था। इसके अलावा मैं यार मैं कैंपिंग भी लेके गया था, कैंपिंग मैंने डीकैथलॉन से ली थी, तो 3,000 कुछ कैंपिंग का था, और बाकी थोड़ा बहुत यार फूडिंग का सामान था, सिलेंडर था, तो ऐसे करके 2-3 हज़ार रुपये और हमारे एक्स्ट्रा लग गए थे। तो यार ये जो टोटल जो कॉस्ट आई है ना, टोटल कॉस्ट जो हमारे बजट की आई है वो आई है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये में हमारा हिमाचल ट्रिप हुआ, और अच्छा ट्रिप था,
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हिमाचल के इतने अच्छे रोड हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ यार, वहाँ पे जो भी अकोमोडेशन मिला ना, सब अच्छा था। मतलब जो भी चीज़, मतलब बेडशीट हो गई होटल को लेकर, क्लीन, मतलब सब कुछ क्लीन था यार। कंबल्स हो गए, जो भी हमारे, जो हमें जो भी प्रॉपर्टी मिली ना, वो सब कुछ अच्छी थी। तो यार मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये चीज़। तो भाई लोगों, हिमाचल ट्रिप आप प्लान करो तो डोंट वरी, आप लोग आराम से जाओ, बढ़िया अच्छे रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये वाला जो ट्रिप था वो टोटल 50,000 का था, और अभी नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है, तो उसके लिए यार आप बेल आइकन ऑन, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको पता लग जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिप मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ मैंने प्लान किया है। और दूसरी चीज, आज वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोगों, बाय बाय, टिल देन, साइन आउट।